हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज फिर से, जी हाँ दोस्तों, आज फिर से आप सभी के लिए एक लेटेस्ट और यूनिक वीडियो लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो पे हम सीखने वाले हैं कि अगर आप इन फ्यूचर कभी भी पैन कार्ड, जी हाँ दोस्तों, पैन कार्ड अगर आप बनाए हैं एंड उसमें आपके किसी भी प्रकार का कोई भी गलती है, या तो फिर नाम का हो, डेट ऑफ बर्थ हो, या पैन कार्ड में आप अपना फ़ोटोज़ को अपडेट करना चाहते हैं, या फिर नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, किसी भी प्रकार का कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं, यानी चेंज करना अगर आप चाहते हैं, तो आज के ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो पर मैं आपको पैन कार्ड में फादर्स नेम किस तरीका से करेक्शन कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं, यही आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी के लिए। अगर आप अभी तक अपना यूट्यूब चैनल ब्रदर टैग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ यार, नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए, अपना ब्रदर टैग यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बगल पे घंटा का यानी बेल का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना है आपको, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। क्योंकि मैं अपने इस चैनल्स पे ब्रदर टैग पे टेक्निकल से रिलेटेड आईडी, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, किसी भी प्रकार का कोई भी टेक्निकल वीडियोज़ आप सभी के लिए लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे एंड यहाँ पे हमें भैया क्लिक करना है यूटिलिटीज, या तो फिर आप अगर पैन कार्ड लिख कर भी गूगल पे सर्च करते हैं ना इस तरीके से पैन कार्ड, तो आपके पास एक देखिए ये UTIITSL का जो पैन कार्ड का वेबसाइट है ये आ जाता है। एंड इसके अलावा और भी काफ़ी सारे पैन कार्ड से रिलेटेड आपको वेबसाइट मिल जाएगा, जैसे कि NSDL है, काफ़ी सारा है ऑनलाइन सर्विस का, NSDL का, द पैन कार्ड के नाम से भी है। मैं फ़िलहाल ये UTIITSL की जो वेबसाइट है इस पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैं इसके थ्रू, इस वेबसाइट के थ्रू ही अपने जो पैन कार्ड है इस पर करेक्शन करने वाला हूँ। तो इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने जो वेबसाइट है कुछ इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा, जो कि पैन सर्विस पोर्टल है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। इसका इंटरफेस है यहाँ पे, देखिए पैन कार्ड, इंडियन सिटीज़न, फॉरेन सिटीज़न, चैन या करेक्शन यहाँ पे ऑप्शन है, डाउनलोड भी आप अपना ई पैन को कर सकते हैं, बैंक बल्क वेरीफिकेशन करा सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं अपना स्टेटस को, रीप्रिंट के लिए ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपके पैन कार्ड खो गया, तो काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ ये वाले वेबसाइट में आपको यहाँ पे पैन कार्ड से रिलेटेड मिल जाता है। फिलहाल हम चेंज या करेक्शन करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ एक न्यू विंडो यानी न्यू एक टैब ओपन होगा इस प्रकार का, देखिए अप्लाई या फिर चेंज करेक्शन के लिए, रीजनरेट ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, डाउनलोड ब्लैंक या फिर चेंज अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं। फिलहाल हम ऑनलाइन करेंगे, मैं ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, फिर से हमारे पास एक न्यू टैब कुछ इस प्रकार से फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन है फिज़िकल, फिज़िकली अगर आप करते हैं तो इस पर क्या होता है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारा आपको, मतलब फिज़िकली जो पैन कार्ड का एड्रेस है इस पर आपको इंडिया पोस्ट या फिर कोई भी कोरियर के थ्रू आपको कोरियर करके भेजना होगा, उसमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। फॉर्म वगैरह जो भी आप सबमिट करेंगे वो सभी का प्रिंट आउट आपको निकालना है, अपना डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स सब कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करके एक कोरियर बैग यानी लिफाफा पे डाल के आपको बाई कोरियर भेजना पड़ेगा। लेकिन आजकल का ज़माना डिजिटल का है, हम डिजिटल ही करेंगे। यहाँ पे डिजिटल पे क्लिक किए, देखिए लिखा हुआ है डिजिटल पेपरलेस, देन इसके बाद यहाँ पे आधार बेस EKYC हम करेंगे। आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, जो कि कंपलसरी है, उस पर आपको एक OTP आएगा, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। देन इसके बाद यहाँ पे देखिए परमानेंट अकाउंट नंबर यानी जो हमारा पैन कार्ड नंबर है वो मांग रहा है, जिस पैन कार्ड का हम मतलब करेक्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें अपना पैन नंबर डाल देना है। सो यहाँ पे पैन नंबर डाल देना है। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड मोड पूछ रहा है, कौन से मोड पे आप करना चाहते हैं। नीचे दो ऑप्शन है, बूथ, फिजिकली पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड। अगर आप
बाय कोरियर फिजिकल पैन कार्ड चाहते हैं और ई पैन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैं दोनों ही चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। या फिर अगर आपको ओनली फॉर ई पैन चाहिए, फिजिकल पैन कार्ड नहीं चाहिए, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मेरे को दोनों चाहिए, तो मैं ये वाले फर्स्ट ऑप्शन पर टिक मार्क किया। देन इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक इस प्रकार से जो फॉर्म होता है ओपन हो जाएगा, एंड ये हमारा एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया। ये रेफरेंस नंबर के थ्रू हम अपने जो भी एप्लीकेशन है उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, स्टेटस वगैरह जान सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये रेफरेंस नंबर आपको लिख लेना है या तो फिर फ़ोटो खींच के आपको रख लेना है। देन ओके पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिखेगा जो कि पर्सनल डिटेल्स का ये पूरा फॉर्म दिख रहा है। तो इस फॉर्म पे आपको जो भी चेंजेस करना है, डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है। तो फॉर्म पे यहाँ पे सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्या है, कुमारी है, मिसेस है, श्रीमती है, श्रीमान है, तो मैं यहाँ पे श्री का ऑप्शन किया। देन आपको आपके नाम का जो लास्ट नेम होता है ना, जिसको हम सरनेम कहते हैं, वो आपको यहाँ पे डालना है, लास्ट नेम या तो फिर सरनेम। और यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है। अगर आपके पास कोई बीच में यानी मिडिल नेम होता है तो यहाँ पे मिडिल नेम डालना है। तो मैं फ़िलहाल फर्स्ट नेम डालता हूँ यहाँ पे, एंड मिडिल नेम नहीं है, मैं लास्ट नेम डाल दूँगा यहाँ पे। लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम मैं डाल चुका हूँ। देन यहाँ पे ऑप्शन है नेम यू विल लाइक टू प्रिंट ऑन द पैन कार्ड, पैन कार्ड के ऊपर आप कौन सा नाम प्रिंट करके चाहते हैं, तो मैं यही वाला नाम चाहता हूँ जो कि ऑटोमेटिकली फैच कर लिया, रहने देते हैं। देन यहाँ पे नीचे आपको फादर नेम का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको फादर नेम डालना है, क्योंकि मेरा पहले वाले पैन कार्ड में फादर नेम गलत था, इसलिए मैं यहाँ पे फिर से अभी फादर नेम डालूंगा, जो मेरे को अभी सुधार करना है रियल है आधार कार्ड के बेस पे, क्योंकि आधार कार्ड जो है वो हमें देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे फादर नेम भी डाल दिया। देन यहाँ पे मदर्स नेम भी आपको डालना है, ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो मदर्स नेम डाल सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं भी डाल सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। एंड यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे देखिए कि पैन कार्ड के जो आपका नाम होगा वो फादर नेम चाहते हैं या मदर नेम चाहते हैं। अगर आप मदर नेम डालेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेलेक्ट करने का, मैंने फादर नेम डाला, मदर नेम नहीं डाला, तो यहाँ पे पैन कार्ड पे फादर नेम ही प्रिंट होकर आएगा। देन इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ जो है ये पे डालना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेल, यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, आधार डिटेल्स के लिए यहाँ आधार कार्ड नंबर डालना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। तो मैं फटाफट ये सभी डिटेल्स डाल लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, फॉर्म का एक बार चेक कर लेना, पूरी डिटेल्स मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा, डिटेल्स विल बी कैप्चर बेस्ड ऑन आधार डिटेल्स। ये जो डिटेल्स है आधार से जो भी हमारा है वो सारे के सारे डिटेल्स कैप्चर हो जाएगा। यहाँ पे हमें टेलीफोन नंबर, मेल आईडी, ये सब कुछ यहाँ पे डालना है। इंडिया यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया, एरिया एसटीडी कोड है नहीं, टेलीफोन नंबर यहाँ पे डालेंगे और मेल आईडी जो है यहाँ पे डालना जरूरी है, कंपलसरी है। ये सभी चीज़ यहाँ पे डिटेल्स डालने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते ही हमारे पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा, फ़ोटो एंड सिग्नेचर मिसमैच यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, फ़ोटो मिसमैच, सिग्नेचर मिसमैच यहाँ पे था। देन यहाँ पे पूछ रहा है मेंशन द परमानेंट अकाउंट नंबर पैन, तो मैं कोई अगर दूसरा पैन कार्ड नंबर और है जो कि मेरे को अलाउड हुआ है तो यहाँ पे वो डालने के लिए बोल रहा है। मैं फ़िलहाल एक ही है पैन कार्ड नंबर मैं यहाँ डाल देता हूँ, इस पर हमें यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है। एंड यहाँ पे हिम हेयर सेल्फ सेलेक्ट है, यहाँ पे अजीज़ुर रहमान आ गया, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स वन एंड प्लेस में यहाँ पे लिख देता हूँ GAL GAIL गलगलिया, डेट आज का ही रहेगा। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करें, यहाँ पे जो भी डिटेल्स है आधार कार्ड्स के मैंने ऑप्शन डाला था, फीस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटिंग एज ए पैन प्रूफ, सेलेक्ट पैन प्रूफ में मैं यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे है फादर्स नेम प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहा है यहाँ पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं, पासपोर्ट, राशन कार्ड ये है नहीं है, मैं अदर्स करता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस में फादर नेम मेंशन है। देन इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट नहीं, यहाँ पे जो चूज़ फाइल करके मेरे को यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों को अपलोड करना पड़ेगा। सो मैं फटाफट मेरे कंप्यूटर्स पे होगा ये स्कैन, कॉपी स्कैन किया हुआ है,
इसको मैं यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। देन सबमिट डॉक्यूमेंट्स की फाइल पीडीएफ में यहाँ पे आपको अपलोड करना है एंड पीडीएफ फाइल आपका पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपसे एक पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। ये देखिए मैक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैक पेमेंट करेंगे। पैन कार्ड के जो पोर्टल का चार्जेस है 100 कुछ रुपये होता है, देखिए 106 रुपये है, ये हमें पेमेंट करना है। बिल्डिक्स के थ्रू मैं क्लिक करता हूँ एंड कंफर्म पेमेंट करते हैं हम। 106 रुपये 90 पैसा जो है हमें यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। क्यूआर कोड यूपीआई ये सभी के थ्रू यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्यूआर कोड भीम यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ, वॉलेट भी है काफ़ी सारा। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे भीम यूपीआई पे बिल्डिक्स का। देखिए यहाँ पे मैं अपना यूपीआई आईडी डाल के पेमेंट करेंगे या तो क्लिक हेयर स्कैन, इसको स्कैन करेंगे तो पेमेंट हो जाएगा। मैं पेमेंट करके आप सभी से मिलता हूँ। सो फ्रेंड्स पेमेंट मेरा हो चुका है डन। पेमेंट डन होने के बाद यहाँ पे देखिए जो मैंने कहा था ना रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे पूछ रहा है या फिर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैप्चा डालना है और भैया सबमिट पे क्लिक करना है। आधार कार्ड रजिस्टर अगर है आपका तो यहाँ पे आपको एक ओटीपी आएगा आपके उस नंबर पे, और ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही जो आपके आधार डिटेल्स की मतलब डाटा है वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा एंड ओटीपी नहीं डालेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से फेल्ड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स लास्ट स्टेप था हमारा ओटीपी डाल के आधार का जो डिटेल्स होता है वो डाटा फैच कर लेता है पैन कार्ड एंड आपकी जो फॉर्म पे वो सबमिट हो जाएगा एंड जो आपकी पैन कार्ड है वो आपका करेक्शन के लिए चला जाएगा। जो एप्लीकेशन नंबर या रेफरेंस नंबर आपने लेकर रखा था उससे आप अपना एप्लीकेशन को ट्रैक करके देख सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, जैसे ही आपका पैन कार्ड करेक्शन हो जाएगा उसका अपडेट आपको मोबाइल फ़ोन पे या मेल आईडी पे भी आ जाएगा एंड आपकी जो न्यू ई पैन का पीडीएफ फाइल होता है वो आपको मेल आईडी पे भी आ जाता है। इसमें थोड़ा 2-4 दिन टाइम लग सकता है बट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना पैन कार्ड में कोई भी नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ ये सारी चीज़ को आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी पीडीएफ फाइल अपलोड किया तो पीडीएफ फाइल आप स्कैन करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक का पासबुक, काफ़ी सारे ऑप्शन वहाँ पे आईडी का लिस्ट होता है वो सब आप दे सकते हैं एंड उसके बाद फिर आपको करेक्शन करना हो उसके बेस पे आप अपना पैन कार्ड को सुधार करवा सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का ये वीडियो, सारी चीज़ समझ में आ गया। कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, इजीली है, आप अपने घर पे बैठ के खुद कंप्यूटर से, लैपटॉप से या तो फिर अपने पैन कार्ड का करेक्शन आप कर सकते हैं इस प्रकार से। सो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ अगर आप अभी तक अपना ब्रदर टेक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो फिर से कह रहा हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक लेटेस्ट और यूनिक वीडियो के साथ। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर एंड वी आर थैंक्स फॉर वॉचिंग।